भाई हमारा पार्सल आ गया है, इसमें एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है और ए सी रिमोट थी भाई, मैं खुद लेने आया हूँ सर्विस सेंटर में। तो चलो चलते हैं इसको लगाते हैं। हाँ तो भाई अभी हमारा आइटम ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद दिखाते हैं। तब तक वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी मेरा कुछ ज़्यादा ही जूम अजूम फेस आ रहा होगा, मैंने वाइड लेंस नहीं किया है, कोई नहीं इससे कभी कर लो। ये भाई इसको खोलने में टाइम, इसको खोलने के बाद मिलते हैं। हाँ तो ये आइटम आया है, ये इस बोल्ट को रिप्लेस करेगा और यहाँ से हाइट इंक्रीज करेगी, इससे सस्पेंशन और डाउन हो जाएगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ बाइक की हाइट कितनी है। ठीक है, अभी कुछ ऐसे दिख रही है और नीचे से इतनी ऊंची दिख रही है, और अभी ये लगने के बाद जो हाइट में चेंजेस आएंगे वो हम दिखाते हैं। हाँ तो भाई हमारे एक्सटेंडर लग गए हैं। अब मैं बेसिकली बता देता हूँ ये आइटम क्या है जो मैं लेके आया था। ये हमारा नॉर्मल बोल्ट होता है जो हमारे शॉकर के ऊपर लगता है, जिससे हमारा स्प्रिंग अंदर लोडेड रहता है, जो उसका रिबाउंड और कंप्रेशन उसके लोड में रहता है। तो जो मैं आइटम अभी लेके आया था वो बेसिकली ऐसा बोल्ट है, बस उसमें जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया 3 इंच लंबा है, ऐसे इधर एक्सटेंड हो जाता है, जिससे वो एक तरह से फ्रंट सस्पेंशन का एक्सटेंडर बन जाता है। तो अभी हमने लगा दिए हैं, अभी मैंने इसको ऑलमोस्ट 1 इंच के अप्रोक्स इधर छोड़ दिया है, 2 इंच ही हमने मतलब बेसिकली बाइक की हाइट बढ़ा दी है। वो मैंने ऊँचा इसलिए छोड़ा है क्योंकि हमारी जो ये ब्रेक की वायर है, पाइप है, ये थोड़ी सी भाई छोटी पड़ गई थी। अगर मैं इसको पूरा नीचे तक ला रहा था तो यहाँ पर बिल्कुल खिंच जा रही थी और कोई भरोसा नहीं, ज़्यादा टेंशन लोड की वजह से ये टूट भी सकती थी, ब्रेक हो सकती थी, क्योंकि अभी तो इससे काम चलाएंगे। फ्यूचर में मैं इसके ABS हटा दूँगा, ABS का पूरा मॉड्यूल होता है वही हटा दूँगा, इससे कर दूँगा, यहाँ से एक डायरेक्ट पाइप लगाएंगे यहाँ पे, तो वो मेरे को एक्स्ट्रा बनवानी पड़ेगी एक, उसके लिए मैं पूछ के आया था एक और जगह। तो अभी बाइक की हाइट कुछ ऐसी हो गई है और ज़्यादा तो देख सकते हो कि हाइट बढ़ गई है। अभी इसके लिए हमें बड़ा स्टैंड बाय करना पड़ेगा, रैली स्टैंड बाय करूँगा। अभी चलाने में काफ़ी अलग फील आ रहा है, बाइक काफ़ी ऊँची हो गई है आगे से। अब मैं सीट को सोच रहा हूँ नॉर्मल हाइट, नॉर्मल जो स्टॉक सीट होती है वैसे करवा लूँगा काफ़ी हद तक। तो इसका राइडिंग रिस्पांस तो भाई संडे तक ही पता चलेगा, अभी तो लोकल में ही चलाऊंगा इसको थोड़ा बहुत। तो ये था हमारा सेकंड मोड बाइक के ऊपर, सेकंड आई थिंक थर्ड मोड होगा आई थिंक, और जल्दी एक और आने वाला है। मैंने एक और आइटम ऑर्डर कर रखा है, वो और अभी ट्रांसपोर्ट में है, उसके आने के बाद एक और बढ़िया आइटम हो जाएगा हमारी बाइक के ऊपर। फिर सून फ्यूचर में इसका एग्जॉस्ट बदलवाएंगे हम, एक बढ़िया वाला एग्जॉस्ट लगवाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक, आप लोगों को मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।